किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी जानकारी DBW 222 गेहूं की वैरायटी के ऊपर है। उनकी वैरायटी के बारे में बताऊंगा। आज हमारा यहाँ पर इसकी बुवाई का कार्य चल रहा है, आप देख सकते हैं, वो भी देसी हल से। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही पास वाले घंटे जरूर दबा दें, जिससे खेती संबंधी आने वाली वीडियो की जानकारी आप सबको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे देसी हल से इसकी गेहूं की बिजाई का कार्य आज हमारे यहाँ पर चल रहा है। DBW 222 गेहूं की किस्म इसका किसान भाई अधिक उत्पादन ले सकते हैं। और दोस्तों, इसके अगर बारे में बात करें तो दोस्तों, एक गेहूं की एक ऐसी प्रजाति, नई प्रजाति विकसित हुई है वैरायटी किसान भाइयों के लिए इस साल विकसित की गई है, जो उन्हें अधिक उत्पादन दे और कम सिंचाई करने पर अधिक उत्पादन आसानी से मिल जाए। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक बीघे में इसकी बुआई का कार्य कर रहे हैं। हमारे पास 10 किलो बीज है जिसकी बुआई का कार्य कर रहे हैं, यानी कि हम 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसकी बुआई कर रहे हैं। और एक बीघे में इसे ट्रायल रूप में इस बार हम बुआई इसकी कर रहे हैं, वो भी देसी हल से, ताकि अगर हम सीड ड्रिल मशीन से या छिटका विधि से करते तो उसमें हमारी जो बीज की मात्रा है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा लगती। तो लेकिन हमने इस बार पूरी नपाई करके इसकी कर रहे हैं और उसमें हम पूरा ट्रीटमेंट करेंगे, किस प्रकार इस वैरायटी का हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं, कम सिंचाई पर कितने इसमें खाद देने, किस समय बुआई की, क्या क्या दवाई क्या। और दोस्तों, इसमें हमने यहाँ पर इसके जो बीज का उपचार किया है, तरल कंसोट है जो इफको का आता है, उससे हमें इसका बीज का उपचार करने के बाद इसका बुआई का कार्य चल रहा है। और इसी के साथ बीज की बुआई के साथ 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसमें DAP खाद भी दे रहे हैं, और आपको मैं दिखाऊंगा। अब बीज दिखाने को बताओ जी। तो दोस्तों, इस प्रकार का देख सकते हैं, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे दाने का बीज है और इस बीज की हम बुआई यहाँ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, कब करेंगे और पूरी जानकारी अगर इसकी समय समय पर आपको जाननी है कि क्या क्या इसमें हो रहा है, अगले साल अगर आप इसकी बुआई करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप इसकी पूरी वीडियो जानना चाहते हैं, अगले बार कितने समय पर इसकी सिंचाई, रोग के बारे में जब भी आप देखना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में कमेंट करके बता देना, हम उसकी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों, अगर इसके उत्पादन की बात करें अब सब लास्ट में, क्योंकि हम जब भी कोई वैरायटी बोते हैं उसका उत्पादन मेन होता है कि कितना उत्पादन उसका अन्य वैरायटी की अपेक्षा अधिक होगा। तो उसका जो उत्पादन दिया गया है दोस्तों, 62 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन दिया गया है। और देखते हैं हमारे यहाँ पर इसका उत्पादन कितना है होता है, इसका बारे में हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, जब हमारी वीडियो में ये फसल कट जाएगी लास्ट में, जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो हम अलग से वीडियो बनाकर आपको बताएंगे कि इसका उत्पादन कितना हुआ PDW 222 का। और अभी हम आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।